चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां ग्वालियर जिले के बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहैटी गांव में एक दर्दनाक घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बिलहैटी गांव का रहने वाला मुकेश कुशवाहा और उसकी पत्नी सुमन कुशवाहा और 7 साल का बेटा तरुण ने आत्महत्या कर ली। घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है तीनों में सल्फास की गोलियां खा ली थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। बिलहैटी गांव बिजौली थाना अंतर्गत आता है, जहां पर एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटे के द्वारा जहर खाया गया और परसों की घटना है, और तीनों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। जैसे ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए तो बच्चे की कल मृत्यु हो गई थी, आज उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अभी माँ स्वस्थ है, तो अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं बताया, क्योंकि दोनों लोग अनकॉन्शियस थे और अभी माँ स्वस्थ हुई है। तो उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, हमारे प्रशिक्षु IPS मैडम थाना प्रभारी हैं बिजौली, वो अभी घटनास्थल पर हैं। मैं भी जाऊंगा, अभी डेड बॉडी का हम लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी 100 ग्रह पे रख रहे हैं। उसके बाद जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।